ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो अपने आप को क्यूनेट में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या उनको रिफंड नहीं मिल रहा और आज भी वो कोशिशों में लगे पड़े हैं। उसके बाद हो क्या रहा है, उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको फील हो रही हैं, तो उसको सबसे बाहर निकालने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं। वीडियो की डिमांड बहुत सारी आ रही है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि चैनल कैसे बनाया जाए, कुछ चाह रहे हैं चैनल को मोनेटाइज कैसे करें, या क्यूनेट की और भी इंफॉर्मेशन लोग चाह रहे हैं। बट ये वीडियो इसलिए जरूरी हो गई है, जैसे जैसे मैं अपने कमेंट सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसमें देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है क्यूनेट के रिफंड को लेके। बहुत सारी वीडियो, 60-70 वीडियोस कम से कम मैंने बना दी होंगी क्यूनेट के ऊपर, हो सकता है अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत बातें तो मैं इस वीडियो में फिर से क्लियर कर सकता हूं, बट ज्यादा बातें समझने के लिए आपको चैनल पे जो वीडियोस है क्यूनेट रिलेटेड जो मैंने अलग अलग टाइप से बनाई हुई है, रिफंड पॉलिसी की अलग बनाई हुई है, क्यूनेट की गाइडलाइंस के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, क्यूनेट की कॉम्पेंसेशन प्लान्स की अलग बनाई हुई है, वो सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा प्रोसेस क्या है। इतना तो मैं श्योर हूं कि क्यूनेट के ऊपर या तो पॉजिटिव वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी या प्रॉपर नेगेटिव वीडियो मिलेगी जो आपको सिर्फ MLM और स्कैम बताएगा। मेरी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ओपिनियन देती मिलेंगी, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यूनेट एज अ कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और क्यूनेट में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर से मैं क्लियर कर दूं, मैं हमेशा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मैं सिर्फ व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए क्यूनेट को ब्लेम कर रहा हूं। वो लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल और टाइटल को देख के सिर्फ और सिर्फ अपना जजमेंट देते हैं। अगर आप लोग क्यूनेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो हेड है, जो मतलब एक तरह से मालिक है, फाउंडर हो गए, को फाउंडर हो गए, चीफ हो गए, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे ना, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि क्यूनेट में आप जजमेंटल एकदम से मत बनो, पहले चीजों को समझो। तो आप वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के बातों में अंधे हो रखे हैं। अपलाइन जो कहता है ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना अपलाइंस के ऊपर, क्योंकि अपलाइंस सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से काम चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपलाइंस से यही सीखा है। क्यूनेट के जो फाउंडर्स है, अगर आप उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनकी वीडियोस सुनेंगे, तो वो कभी नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 लाख 5 लाख लगवाओ। वो हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। इनफैक्ट चीफ जो है पद्मन सिनाती राजा, उन्होंने प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग भी करा हुआ है, तो उनकी वीडियोस में वो फोकस करते हैं प्रोडक्ट्स पे, अपलाइन फोकस करते हैं 3-4 लाख 5 लाख निकालने पे। अप्लायंस ने मेजरली सिस्टम को, क्यूनेट के सिस्टम को मिसयूज कर दिया है। उनको ये पता है कि क्यूनेट कंपनी के पीछे छुप के हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जब क्यूनेट से लड़ेंगे तो होगा क्या, क्यूनेट की अपनी एक लीगल टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसको आप कुछ भी मतलब दावा नहीं कर पाएंगे, आप क्यूनेट पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक में अपने आप को सेफ क्लेम करा हुआ है, अपनी पूरी गाइडलाइंस, अपने पूरे स्ट्रक्चर को कंक्लूड किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। बट जब आप क्लेम करेंगे ना, तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा फोकस है कि आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फोकस करें, और जो जो डिस्ट्रीब्यूटर गलत कर रहे हैं उनको टर्मिनेट कराने की कोशिश करें। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए, पूरी नॉलेज लीजिए, उनको टर्मिनेट कैसे कराना है, कहां कहां प्रूफ्स कैसे इकट्ठे करने, आपको वीडियोस को तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं क्यूनेट बकवास है, क्यूनेट ये। मैं क्यूनेट का एजेंट नहीं हूं, मैं क्यूनेट को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। मेरा पर्पस है आप लोग अपने माइंड में इमेजेस को अलग लेके चलिए। क्यूनेट भी गलत हो सकता है बहुत सी चीजों में, बहुत सी चीजों में गलत हो सकता है। क्यूनेट का रिफंड प्रोसेस स्लो है, क्यूनेट अपने जो हमारा कंप्लेंट का प्रोसेस होता है उसको बहुत स्लो करता है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बट ज्यादा गलतियां डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, जिसको मॉनिटर और ट्रैक क्यूनेट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होते। कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गलत कैसे, अपने टर्मिनेट कैसे करेगी, जब आप उसके लिए प्रूफ देंगे। अगर आपके पास प्रूफ है
तो क्यूनेट की अनएथिकल एक्टिविटीज की ईमेल आईडी मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप उसको मेल कीजिए, वहां से एक फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद आप उसको पूरे प्रूफ के साथ भेजिए, व्हाट्सएप चैट ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्यूनेट अगर कार्रवाई लेट करता है उसको फॉलो अप लीजिए, सब कार्रवाई कीजिए, उसके बाद पुलिस एफआईआर और बाकी स्टेप्स कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सिर्फ मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है बहुत से लोग अभी भी रिफंड नहीं ले पा रहे और उनको मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्यूनेट की अपनी एक रिफंड पॉलिसी का स्टेप्स है। क्यूनेट में अगर आपने वर्ल्ड पोर्टल से परचेजिंग की है तो ही आपको 7 डेज में क्लेम करना होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट परचेज किया गया इंडियन पोर्टल का तो 30 डेज का पॉलिसी जो क्यूनेट में बताया गया है। पॉलिसी सब वेबसाइट पे लिखी गई है, मैंने क्रिएट नहीं की, सब वेबसाइट में क्यूनेट की वेबसाइट एक बार आप ओपन कीजिए, सब कुछ लिखा गया है किस तरीके से क्यूनेट का प्रोसेस है, कॉम्पेंसेशन प्लान है, सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको एक बार ओपन तो कीजिए। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपको सब चीज डिटेल में मिलेगी। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप पॉलिसी से बाहर हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्यूनेट से। फिर से क्लियर कर दूं, पॉलिसी से बाहर है तो कुछ नहीं मिलेगा क्यूनेट से आपको। अगर उसके बाद स्ट्रेस डिप्रेशन हो रहा है तो आपको वहां से मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के 10 लाख 12 लाख 11 लाख पता नहीं कितने कितने लाख लग गए हैं, मेरे भी लाखों में लगे हैं, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। अगर मैं उसी लाखों के चक्कर में कि मेरा पैसा चला गया चला गया चला गया रोने बैठ जाऊं तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोग हैं जो कमेंट करके एलिगेशन लगा रहे हैं सिर्फ और लाइक्स और वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, मैं क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। उनको जवाब देना चाहता हूं कि आप बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, लाइफ से रिलेटेड अवेलेबल है, बिजनेस से रिलेटेड अवेलेबल है, काफी सारी वीडियोस है। आपका वहां तो ध्यान गया नहीं, क्योंकि ध्यान तो एक ही जगह देना है ना, आपको तो बस अपनी फालतू बातें बोलनी है कि मुझे तो बस लाइक्स और व्यूज चाहिए। भाई लाइक्स और व्यूज मेरे कहने से तो नहीं आएंगे ना, लाइक्स और व्यूज तो लोगों तब देंगे जब उनको पसंद आएगी वीडियो। भाई आप लोग जो पसंद नहीं कर पा रहे मेरी वीडियोस को वो भी तो डिसलाइक कर रहे हैं। क्यूनेट वीकॉन की वीडियो पे अगर 200 लाइक्स है ना तो 120 डिसलाइक भी है। अब ये 120 डिसलाइक करने वाले कौन लोग हैं? भाई मैंने तो लाइक्स मांगे थे, ये डिसलाइक करने वाले कौन से लोग आ गए? आप में से ही तो होंगे जो क्यूनेट पे सिर्फ क्यूनेट के नाम पे अंधे हैं, जो फैक्ट्स फिगर्स वो सब नहीं समझ पा रहे, या उनके साइन अप होने बंद हो गए इसलिए मेरी वीडियो को रिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए मेरी वीडियोस को डिसलाइक किया जा रहा है। मुझे उससे भी कोई तकलीफ नहीं है, करो जितना करना है करो। अगर यूट्यूब को भी लगता होगा तो वो वीडियोस को हटा देगा, मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। मेरा काम तो वीडियोस में अवेयरनेस देना है, वो मैं देता रहूंगा। किसी को पर्सनली सुनना है, कुछ लोग पर्सनली टच में, तो मैं उनको पर्सनली बताऊंगा। कहीं ना कहीं से तो मुझे अवेयर करना है लोगों को, और वो मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। अब स्ट्रेस जो ज्यादा बढ़ रहा है उसको तो कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। मैंने किस तरीके से किया, मेरे ऊपर जब लोन्स ईएमआईस जब स्टार्ट हुए थे, इनफैक्ट अभी भी चल रहे हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने जॉब को चेंज किया, कहीं ना कहीं अपना सैलरी को इंक्रीज किया, ठीक है। या मैं कुछ और स्टेप भी देख सकता हूं, हो सकता है मैं यूट्यूब से भी कल फ्यूचर में पैसा कमा लूं, हो सकता है मैं अपनी ईएमआईस यूट्यूब के अर्निंग से भर लूं। अभी तो मेरे पास ये भी एलिगेशन लगे हैं कि मेरे पास पैसा आ रहा है यूट्यूब से, अभी कोई पैसा नहीं आ रहा, फ्यूचर में आएगा तो आप सबकी वजह से जरूर आएगा, और उसके लिए थैंक यू भी कहूंगा। इनफैक्ट मैं अपनी ईएमआईस भी भरूंगा और लोगों को पैसा भी दूंगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किसी ना किसी स्टेप्स में, वो भी मेरा प्रॉमिस है। कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि लोग अपनी स्ट्रेस लाइफ से निकल सके, वो भी मेरा प्रॉमिस है। ऑब्वियसली हर इंसान अपने लिए पहले करता है फिर दूसरे के लिए करता है, और यही होना चाहिए। हर किसी इंसान को अपना मोटिव पहले देखना चाहिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव पहले करना चाहिए, जब वो खुद हो जाता है तभी वो दूसरों के पास जाना चाहिए उसको। तो ये भी मेरा मोटिव रहेगा, अगर कल को यूट्यूब से मेरे पास अर्निंग्स आती है तो ऑब्वियसली पहले मैं अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस है कुछ चीजों को लेके उसको मैं दूर करूंगा, फिर मैं दूसरों के पास जाऊंगा कि आपको मैं हेल्प करूंगा। तो यहां पे ये बताना है कि अपनी लाइफ में अगर कुछ लॉसेस फील हो रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट लाइए अर्निंग्स को बढ़ाने के,
अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं आप, बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने का स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल्स में इम्प्रूव से जॉब चेंजेस भी आसानी से होते हैं, कोशिश करके छोटा मोटा कोई कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए, हो सकता है उसके बेस पे जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है उसके बेस पे इंक्रीमेंट हो जाए, सेम कंपनी में कोई इंक्रीमेंट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी में कुछ अलग टेक्निकल स्किल्स हैं जो सिर्फ आपको आते होंगे, उसके बेसिस पे आपका एक ग्रोथ लेवल ग्रोथ होती है वहां पे कंपनी में, हो सकता है कुछ छोटा मोटा साइड में कोई काम शुरू कर सके। कई सारे स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन ढूंढोगे तो ही प्रॉब्लम दूर होगी। अब मैंने जॉब चेंज करी, आज मैंने यूट्यूब बनाया, मैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस ही ढूंढ रहा हूं, मुझे भी वो सॉल्यूशंस मिले नहीं है, मगर स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन में अगर मैं पड़ा रहूंगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यही चीज आपको फॉलो करनी है, कुछ ना कुछ स्टेप्स ढूंढने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों नेट क्यों नेट क्यों नेट बर्बाद, ये वो फरगा, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है प्रूफ है तो अप्लाइंस को टर्मिनेट कराओ, ताकि वो लोग किसी और की जिंदगी ना बिगाड़े। यहां भी तो हेल्प कर रहे हो ना, अगर आप अप्लाइंस को टर्मिनेट करा रहे हो, क्योंकि क्यूनेट किसी भी लेवल पे कोई अप्लाई हो उसको टर्मिनेट करता है अगर वो गिल्टी प्रूफ हो गया तो, आप भी करो ना। अगर वो आज लाखों करोड़ों कमा रहा ना अप्लाइंस, कमाने दो, अगर आपने प्रूफ निकाल लिया तो वो लाखों करोड़ों की इनकम भी खत्म हो जाएगी उसकी। तो ये चीज समझो, अप्लाइंस को टर्मिनेट कराओ अगर प्रूफ निकाल सकते हो, गलत कर रहे हो तो, वो गलत कर रहे हैं तो आपके साथ। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हिम्मत हार गए तो जिंदगी खत्म, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग, मैं सुसाइड कर लूंगा, कोई कहता मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, कोई कह रहा मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये सही नहीं है, चेंज करो। अगर ज्यादा लग रहा है तो यूट्यूब पे ही आ जाओ, यूट्यूब पे कोशिश करो। कुछ लोगों को तो यूट्यूब पे भी मेहनत नहीं लगती, कुछ लोग कहते हैं कि आप तो बस कोई मेहनत नहीं कर रहे। भाई साहब बना के देखो ना वीडियोस, कितना सोचना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, चीजें खरीदनी पड़ती है छोटी मोटी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को टाइम देना पड़ता है। जॉब लाइफ में जो है उसके साथ सेकंड काम करना हर किसी के आसान नहीं होता, मगर निकालना पड़ता है उसको। अगर प्रायोरिटाइज करोगे तभी वो हो पाएगा। अगर आपने बोला सोचा कि मुझे जॉब के अलावा यूट्यूब करना है, तो उस यूट्यूब के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वहां पे भी मेहनत लगती है। फालतू चीजें नहीं है, कि सिर्फ वही दिक्कत है ना, क्यूनेट में अप्लाइंस ने ब्लाइंड कर दिया आपको तो कुछ भी बोलोगे, अपना दिमाग तो खत्म। ऐसा मत करना, आगे बढ़ो लाइफ में, हिम्मत करो, लाइफ बहुत कुछ देगी, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, हिम्मत आपने करनी है। मेरी मेहनत से आपका घर नहीं चलने वाला, या आपकी मेहनत से मेरा घर नहीं चलने वाला, हिम्मत मुझे करनी है, आगे मुझे बढ़ना है, आगे मेरी लाइफ के लिए इंप्रूवमेंट के लिए मुझे ही करना पड़ेगा। डेली 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 मुझे लाइफ में इंप्रूव करने के लिए अपने आप के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। और एक चीज और कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप लोग मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब चीजें अच्छी लगेंगी, प्लीज शेयर करना जितना हो सके। थैंक यू सो मच।